Welcome to LearnX Nursing. A very good evening to all of you. This is Nikita here from LearnX Nursing. From today, we are going to start NORSET PYQ series for upcoming exam of NORSET 7. आप सभी को पता है जैसे कि NORSET 7 के एग्जाम आने वाली है तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है ठीक है उसमें से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम इस NORSET PYQ सीरीज में करेंगे ठीक है ये सीरीज आपकी NORSET 7 के प्रीलिम्स तक एंड उसके बाद NORSET 7 का जो मेंस का एग्जाम है वहां तक के कंटिन्यू चलेगी ठीक है सो एवरी डे वी विल डू दिस NORSET PYQ सीरीज एंड डेफिनेटली दिस PYQ सीरीज विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू टू क्रैक द अपकमिंग NORSET 7 एग्जाम ओके सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया देखिए द नर्स हु ऑब्जर्व्स प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इन अ न्यूबॉर्न सस्पेक्ट एक न्यूबॉर्न है उसमें नर्स ने ऑब्जर्व किया कि उस बच्चे में प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो रही है ठीक है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग मतलब क्या है दूर तक के वॉमिटिंग आना ठीक है देन ऐसे कौन से कंडीशन में होगा ट्रेकियो इसोफेजल फिस्टुला में जिसमें कि जो ट्रेकिया है उसमें और इसोफेगस में एक फिस्टुला बन जाएगा या फिर हर्शप्रोंग डिजीज में जिसको हम अगेंग्लियोनिक ऑफ नर्व सेल्स होता है देन कंजिनाइटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरॉक स्टेनोसिस में ठीक है जो कि इस तरीके से स्टमक है तो यहाँ पे जो पाइलोरस है यहाँ पे स्टेनोज होना इस तरीके से नैरो हो जाना या फिर कंजिनाइटल हार्ट डिजीज में सी प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग कंजिनाइटल हार्ट डिजीज में नहीं होती ओके ट्रेकियो इसोफेजल फिस्टुला में फिस्टुला बनता है ठीक है वहां पे एस्पिरेशन के चांसेस बढ़ते हैं यहाँ पे भी प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग नहीं होती यस इन हर्शप्रोंग डिजीज देर आर चांसेस ऑफ वॉमिटिंग वॉमिटिंग के चांसेस होते हैं ऑब्स्ट्रक्शन के भी चांसेस होते हैं कॉन्स्टिपेशन होता है बट प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग नहीं होती वॉमिटिंग होती है बट प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग नहीं होती इतना जोर से कि बहुत दूर तक के जाके वो वॉमिटस गिरे ऐसी वॉमिटिंग हर्शप्रोंग डिजीज में नहीं होती है ऐसी कंडीशन होती है कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में ठीक है हाइपरट्रॉफिक ठीक है जो पाइलोरस होता है स्टमक में वहां पे उसकी जो सेल्स होते हैं उसका साइज बढ़ जाएगा और वो एरिया क्या हो जाएगा स्टिनोज हो जाएगा ओके सी किस तरीके से ये जो पाइलोरस है यहाँ पे हाइपरट्रॉफी हो गई और ये जो ओपनिंग है ये कंप्लीटली नैरो हो गई तो जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट यहाँ से जाने चाहिए वो नहीं जाएंगे और यहाँ पे एक बहुत ही रफ्तार की तरह जो है वो वॉमिटिंग होगी ठीक है सो द नर्स हु ऑब्जर्व्स प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इन अ न्यूबॉर्न विल सस्पेक्ट कंजेनाइटल hypertrophic pyloric stenosis in that baby okay next question kya pucha hai dekhi a person with diabetes mellitus theek hai diabetes mellitus ka person hai is asking you the calories obtained from 1 teaspoon of sugar your answer would be ek person hai diabetes mellitus ka theek hai wo aapse pooch rahe hain ki agar main 1 teaspoon of sugar lunga to mujhe kitne calories usse milenge ठीक है देखिए फर्स्ट इज 1 टीस्पून मींस व्हाट 5 ml ठीक है देन 1 ग्राम ऑफ CHO मींस कार्बोहाइड्रेट कितना कैलोरीज होता है 4 कैलोरीज ठीक है सो देखिए 1 टीस्पून में 5 ml होता है और 1 ग्राम में कितना कार्बोहाइड्रेट होता है 4 कैलोरीज तो ठीक है अगर हमने 5 ml इनटू 4 कैलोरीज किया तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा दैट इज 20 So here the correct answer will be 20. अगर एक person diabetes mellitus वाला 1 teaspoon of sugar लेता है, तो उसे कितने calories मिलेंगे? That is 20 calories. Okay? So the correct answer will be 20. Next question. Which of the following food items are rich sources of vitamin A? कौन से ऐसे food items है जो कि rich sources है vitamin A के? ठीक है? Options देखते हैं. Green leafy vegetables and येलो फ्रूट्स ग्रीन ग्राम एंड पल्सेस राइस एंड पोटैटोस मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स देखिए अगर हम बात करते हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की ये रिच सोर्सेस किसके हैं कैल्शियम के विटामिन ए के एंड विटामिन B12 के ठीक है देन राइस एंड पोटैटोस में क्या होता है सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स अगर बात करते हैं ग्रीन ग्राम्स एंड पल्सेस की सो दे आर द रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स ठीक है
तो यहाँ पे तो कहीं भी हमको विटामिन ए नहीं दिखा। नाउ ग्रीन लीफी एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड येलो फ्रूट्स में क्या होता है? विटामिन ए, ठीक है। सो करेक्ट आंसर विल बी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड येलो फ्रूट्स आर द गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे लिख लीजिए, येलो टू ऑरेंज कलर, ठीक है, या फिर डार्क ग्रीन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आर द गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। ठीक है, एंड ये कहां से डिराइव होते हैं? फ्रॉम बीटा कैरोटीन, डिराइव फ्रॉम बीटा कैरोटीन एंड विच आर गुड फॉर आईज। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूरिनरी आउटपुट ऑफ अ क्लाइंट फॉर 24 आवर्स वाज 350 ml. एक इंडिविजुअल है, एक पेशेंट है जिसका 24 आवर्स का जो या फिर पर डे का जो यूरिन आउटपुट है वो कितना है? 350 ml. द नर्स हैज डॉक्यूमेंटेड द ऑब्जर्वेशन एज एन यूरिया, पॉली यूरिया, डिस यूरिया या फिर ऑलिगो यूरिया। सी व्हाट इज एन यूरिया, एन यूरिया क्या होता है? इट इज लैक ऑफ यूरिन और एब्सेंस ऑफ यूरिन, ठीक है। एन यूरिया मीन्स एब्सेंस ऑफ यूरिन, यूरिन बिल्कुल भी पास नहीं हो रही है। पॉली यूरिया मीन्स वॉट? एक्सेस यूरिन। डिस यूरिया मतलब क्या होता है? पेनफुल यूरिनेशन। और ऑलिगो यूरिया मतलब क्या होता है? यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml पर डे और लेस देन 20 ml पर आवर। अब कंडीशन के हिसाब से ऑलिगो यूरिया जो है वो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। द यूरिनरी आउटपुट ऑफ अ क्लाइंट फॉर 24 आवर्स वाज 350 ml, ठीक है। सो द नर्स हैज डॉक्यूमेंटेड द ऑब्जर्वेशन एज ऑलिगो यूरिया। वन मोर थिंग इज हियर, नॉर्मल यूरिन आउटपुट कितना होता है? अगर पर डे की बात करते हैं तो इट इज 800 टू 2 लीटर्स पर डे। अगर पर आर की बात करते हैं तो इट इज 30 ml पर आर यूरिन आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इंडिकेट्स इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल। ऐसा कौन सा टर्म है जो ये बताता है कि साइज ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है विदाउट इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स? इट इज नंबर, ओके, नंबर ऑफ सेल्स। साइज ऑफ सेल तो बढ़ रहा है, ऐसा कौन सा टर्म है लेकिन इंक्रीज नहीं हो रहा है नंबर ऑफ सेल्स? हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी, डिसप्लेजिया या फिर एट्रॉफी। देखिए, हाइपरप्लेजिया में क्या होता है? इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, तो ये तो हमको ऑप्शन में चाहिए ही नहीं बिकॉज विदाउट इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स बोला है, ठीक है। डिसप्लेजिया का मतलब क्या होता है? अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल सेल्स। सीधा सा बोल सकते हैं एबनॉर्मल सेल्स, ठीक है, विद इन द टिश्यू और ऑर्गन। देन व्हाट इज एट्रोफी? एट्रोफी मतलब किसी भी पर्टिकुलर सेल का या फिर ऑर्गन का या टिश्यू का साइज का सिकुड़ जाना, छोटा हो जाना, वो किसमें होता है? सिरोसिस एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, ठीक है, डिक्रीज इन साइज ऑफ टिश्यू और ऑर्गन, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं। इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल किसको बोलते हैं हम? हाइपरट्रॉफी को। सो योर करेक्ट आंसर विल बी हाइपरट्रॉफी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द क्लाइंट कैन ब्रीथ ओनली इन एन अपराइट पोजीशन इट इज टर्म्ड एज। जो पेशेंट है वो सिर्फ और सिर्फ सेमी फाउलर पोजीशन में, अपराइट पोजीशन में ही अच्छे से ब्रीथ कर सकेगा, ऐसी कंडीशन कौन सी होती है? ऑर्थोपनिया, डिस्निया, टेकिपनिया, एपनिया। सी एपनिया क्या होता है? टेम्पररी सेजेशन ऑफ ब्रीदिंग। ओके, टेकिपनिया क्या होता है? इंक्रीज आरआर,
डिस्निया क्या होता है? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. सी, और यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑर्थोपनिया. ऑर्थोपनिया और डिस्निया के बीच डिफरेंस समझिए. ऑर्थोपनिया में क्या होगा, अगर पेशेंट ने सुपाइन पोजीशन ली, ठीक है, जैसे ही लाइंग डाउन करेंगे अपने बैक पे उनको ब्रेथलेसनेस होना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही हम उनको अपराइट पोजीशन में ले लेंगे, सेमी फाउलर में ले लेंगे, पेशेंट बिल्कुल अच्छे से ब्रीथ करेगा. मीन्स ऑर्थोपनिया में क्या होता है, जिन पेशेंट्स को ऑर्थोपनिया होता है उनको सिर्फ और सिर्फ सीधा लेटने से जो है प्रॉब्लम होती है ब्रीदिंग डिफिकल्टी की. और डिस्निया में क्या होता है, चाहे आप उसको अपराइट पोजीशन दीजिए, सेमी फाउलर पोजीशन दीजिए, या फिर आप उनको लाइंग डाउन करके रखिए, ठीक है, सीधा लेटा के रखिए, सुपाइन पोजीशन में रखिए, तो भी उनको डिस्निया होगा, ठीक है. सो व्हेन द क्लाइंट कैन ब्रीथ ओनली इन एन अपराइट पोजीशन, द करेक्ट आंसर विल बी ऑर्थोपनिया, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट विथ हाइपोवेंटिलेशन इज प्रोन टू डेवलप, ठीक है. ए क्लाइंट है जिसको हाइपोवेंटिलेशन है, तो हाइपोवेंटिलेशन के साथ साथ उसको और कौन सी कंडीशन हो सकती है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, या फिर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ठीक है. देखिए हाइपोवेंटिलेशन का मतलब क्या होता है, एक तो स्लो ब्रीदिंग है, ठीक है, और वी कैन से शैलो ब्रीदिंग, ठीक है. हाइपोवेंटिलेशन क्या होता है, स्लो ब्रीदिंग या फिर शैलो ब्रीदिंग. और ये हमेशा याद रखिएगा, हाइपोवेंटिलेशन यानी स्लो ब्रीदिंग और शैलो ब्रीदिंग में जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो बढ़ जाता है. अब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया मतलब क्या हो जाएगा, एसिडोसिस, ठीक है. अब एल्कोलोसिस वाले ऑप्शन तो वैसे ही चले गए, मेटाबॉलिक और एसिडोसिस. हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हाइपोवेंटिलेशन. ये कौन सी कंडीशन में आता है, रेस्पिरेटरी. सो क्लाइंट विथ हाइपोवेंटिलेशन इज ऑलवेज प्रोन टू हैव रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ओके. रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, और इसको एक और नाम से कहते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एसिडोसिस, मीन्स एसिडोसिस कॉज्ड बाय इनएडिक्वेट वेंटिलेशन, दैट इज स्लो ब्रीदिंग और शैलो ब्रीदिंग, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा. तो ऐसे क्लाइंट जिनको हाइपोवेंटिलेशन हो रहा है वो प्रोन रहते हैं, रिस्क पे रहते हैं कि उनको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है, ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट विथ न्यूमोनेक्टमी विल बी पोजिशन ओन. एक पेशेंट है जिसका न्यूमोनेक्टमी हुआ है. वॉट इज न्यूमोनेक्टमी, इट इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ एंटायर लंग, ठीक है. ओके, तो एक पेशेंट जिसका कि लंग बाहर निकाल लिया, तो आप उसको अब कौन सी पोजीशन देंगे, सुपाइन पोजीशन ओनली, सुपाइन एंड आइदर साइड्स, ऑपरेटेड साइड और बैक, या फिर अनऑपरेटेड साइड और बैक. यस, योर करेक्ट आंसर विल बी ऑपरेटेड साइड और बैक. ऐसा क्यों करेंगे हम, देखिए जो भी बचा हुआ पार्ट उस लंग का है वो अच्छे से एक्सपांड होना चाहिए, ठीक है, और जो भी ड्रेनेज हो रहा है, सर्जरी हुई है तो कुछ ना कुछ तो पार्ट ड्रेन होगा, कुछ ना कुछ फ्लूइड्स वहां से ड्रेन होंगे, ब्लड ड्रेन होंगे, सिक्रीशंस ड्रेन आउट होंगे, वो उस अच्छे वाले पार्ट में नहीं जाने चाहिए. और जो भी सिक्रीशंस है, जो भी ड्रेनेज का चीज है, वो अच्छे से वहां से ड्रेन आउट होना चाहिए. इसीलिए हम अ क्लाइंट आफ्टर न्यूमोनेक्टमी विल बी पोजिशन ऑन ऑपरेटेड साइड और बैक, सो दैट जो बचा हुआ पार्ट है वो अच्छे से एक्सपांड हो सके. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑपरेटेड साइड और बैक, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन पीरियड्स ऑफ हाइपरएपनिया, हाइपरएपनिया मींस व्हाट, बहुत ज्यादा तेजी से सांस लेना, अल्टरनेट विद पीरियड्स ऑफ एपनिया, बीच बीच में एपनिया हो रहा है, दैट इज सेजेशन ऑफ, सॉरी प्राइमरी, सॉरी टेम्पररी सेजेशन ऑफ ब्रीदिंग हो रहा है, द ब्रीदिंग पैटर्न इज टर्म्ड एज, ऐसे ब्रीदिंग पैटर्न को क्या कहेंगे, कुजमोल रेस्पिरेशन, चीन स्ट्रोक रेस्पिरेशन, ब्रेडीपनिया, या फिर टेकीपनिया. देखिए टेकीपनिया में क्या होता है, इंक्रीज आरआर, ब्रेडीपनिया में क्या होता है, डिक्रीज आरआर, ठीक है. कुजमोल रेस्पिरेशन में क्या होता है, लेबर्ड ब्रीदिंग, ठीक है, बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है ब्रीथ करने के लिए, ठीक है, लेबर्ड ब्रीदिंग. और ये कौन से कंडीशन में देखने मिलता है, डीकेए डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में, तो ये तो हमारे आंसर यहाँ पे नहीं होंगे. हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चीन स्ट्रोक रेस्पिरेशन, ठीक है. ये कैसा होता है, देखिए फर्स्ट जो है ना इस तरीके से रेस्पिरेशन रहेगा, देन एक एपनिया का एपिसोड आ जाएगा, देन अगेन यहाँ पे हाइपर एपनिया होगा, और एक अगेन जो है
एपनिया का एपिसोड आ जाएगा. सो व्हेन पीरियड्स ऑफ हाइपर एपनिया अल्टरनेट्स विद पीरियड ऑफ एपनिया द ब्रीदिंग पैटर्न इज टर्म्ड एज चेन स्ट्रोक रेस्पिरेशन. ओके, ठीक है, इस तरीके से जो है पैटर्न दिखेगा. और कुज्मोल ब्रीदिंग में कंटिन्यू हाइपर एपनिया रहेगा, कंटिन्यू लेबर्ड ब्रीदिंग रहेगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ क्लाइंट हु इज सेंट होम विद एन इलियोस्टमी, एक पेशेंट है जिसकी इलियोस्टमी हो चुकी है, रिक्वायर डाइटरी सप्लीमेंटेशन विद, तो जब वो घर जाएंगे तो उनको कौन से डाइटरी सप्लीमेंटेशन अपने डाइट में लेने की जरूरत है? फाइबर्स, सोडियम, पोटेशियम या फिर विटामिन B12. देखिए, जो मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 होता है वो होता है इलियम. मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इज इलियम. तो जब इलियोस्टमी हो जाएगी तो कौन सा सप्लीमेंटेशन देने की जरूरत पड़ेगी? दैट इज विटामिन B12. ओके, सो अ क्लाइंट हु इज सेंट होम विद एन इलियोस्टमी रिक्वायर्स डाइटरी सप्लीमेंटेशन विद विटामिन B12. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स, ठीक है, ह्यूमन नीड्स की जो हायरार्की है, वेयर नर्स प्रायोरिटाइज बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स इज आइडेंटिफाइड बाय. हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड वेयर प्रायोरिटाइज बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, ये किसने दिया था? ठीक है, इसका ऑथर मेनली पूछा जा रहा है जिसने ये दिया था बेसिक्स ऑफ फिजियोलॉजिकल नीड्स. सिगमंड फ्रॉयड, कुबलर रॉस, एरिक एरिक्सन या फिर अब्राहम मास्लो. सिगमंड फ्रॉयड ने क्या दिया था? साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट का थ्योरी. ठीक है, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट. कुबलर रॉस ने क्या दिया था? 5 stages ऑफ ग्रीफ. एरिक एरिक्सन ने क्या दिया था? थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट. और अब्राहम मास्लो ने क्या दिया था? हायरार्की ऑफ नीड्स. ठीक है, सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी अब्राहम मास्लो. इसका एक पिरामिड है, सी हियर, जिसमें कि फर्स्ट क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड्स. ठीक है, बेसिक नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, देन सेफ्टी नीड्स, belongingness and love needs, esteem needs and self-actualization, self-actualization. ठीक है, ये किसने दिया था? अब्राहम मास्लो ने hierarchy of needs जो है वो दी थी. ठीक है, okay, next question is the most reliable index of the cerebral status. ठीक है, cerebral status means what? Brain. ठीक है, अगर आपको एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का सेरेब्रल स्टेटस देखना है तो उसका मोस्ट रिलायबल इंडेक्स क्या होगा कि यस, इसका जो सेरेब्रल स्टेटस है वो प्रॉपर है, एडिक्वेट है. प्यूपिलरी रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स टू पेन, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या फिर डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस. देखिए, सभी ने GCS के बारे में सुना होगा, ग्लासगो कोमा स्केल. ठीक है, ये हम क्यों यूज करते हैं, क्या करते हैं ग्लासगो कोमा स्केल में? वी चेक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. ठीक है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं? प्यूपिलरी रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स टू पेन एंड डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस जो है वो हम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए देखते हैं. ठीक है, सो द मोस्ट रिलायबल इंडेक्स ऑफ द सेरेब्रल स्टेटस इज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. बाकी जो 3 options दिए हैं वो क्या है? वो पैरामीटर्स है GCS के, जिसके थ्रू हम सेरेब्रल स्टेटस को चेक करते हैं. अगर हमको सेरेब्रल स्टेटस किसी पर्टिकुलर पर्सन का चेक करना है सो उसका मोस्ट रिलायबल इंडेक्स क्या होगा? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्यूपिलरी रिस्पॉन्स देखना पड़ेगा, रिस्पॉन्स टू पेन कैसा है उस इंडिविजुअल का देखना पड़ेगा और उसके डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस को चेक करना पड़ेगा. ठीक है, ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉटर सोल्यूबल विटामिन? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के. अगर हम विटामिन की बात करते हैं, 2 तरीके के होते हैं. ठीक है, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल. वाटर सॉल्युबल में आते हैं बी एंड सी और फैट सॉल्युबल में आते हैं ए, डी, ई एंड के. ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत बार आया हुआ है. सो हियर योर करेक्ट आंसर विल बी वॉटर सॉल्युबल विटामिन इज विटामिन सी. ठीक है, ए, डी, के कौन से हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन. इजी क्वेश्चन, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
क्लाइंट आफ्टर लीवर बायोप्सी, ठीक है, एक पेशेंट है जिसकी लीवर बायोप्सी हुई है, शुड बी विजिलेंटली ऑब्जर्व फॉर. विजिलेंटली मीन्स वॉट, बहुत अच्छे से उस पेशेंट को हमको देखना है, पर किस चीज के लिए? हेमरेज के लिए, डिजनिया के लिए, वॉमिटिंग के लिए या फिर पेन के लिए? सी, लीवर बायोप्सी हुई है, लीवर को इंजुरी हुई है, तो चांसेस है कि वहां पे हेमरेज हो सकता है, ठीक है. सो अ क्लाइंट आफ्टर लीवर बायोप्सी शुड बी विजिलेंटली ऑब्जर्व फॉर हेमरेज, ठीक है. इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि लीवर बायोप्सी वाले पेशेंट को कैसी पोजीशन देनी पड़ती है, दैट इज राइट साइडेड, ठीक है. जहां से प्रोसीजर किया है, जहां से इंसिजन दिया है, वहीं पे हम राइट साइडेड पोजीशन जो है वो लीवर बायोप्सी वाले पेशेंट को आफ्टर द प्रोसीजर देते हैं, ताकि प्रेशर वहां पे बना रहे और हेमरेज के चांसेस कम हो जाए, ठीक है. सो हेमरेज विल बी द करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीडोट ऑफ हिपारिन, वेरी इजी. कैल्शियम ग्लूकोनेट, विटामिन के, प्रोटामिन सल्फेट या फिर एट्रोपिन. सी, कैल्शियम ग्लूकोनेट कब देते हैं? फॉर MgSO4 टॉक्सिसिटी, ठीक है. जब मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं. मीन्स MgSO4 टॉक्सिसिटी का एंटीडोट क्या होता है? कैल्शियम ग्लूकोनेट. विटामिन के किसका एंटीडोट है? वारफेरिन का, ठीक है. एट्रोपिन किसका है एंटीडोट? दैट इज ओपी पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग. एंड प्रोटामिन सल्फेट किसका एंटीडोट होता है? हिपारिन का. सो योर करेक्ट आंसर विल बी प्रोटामिन सल्फेट. सो एंटीडोट ऑफ हिपारिन इज प्रोटामिन सल्फेट, ठीक है. वन लाइनर क्वेश्चन एंड द मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन, ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ कोमाटोज पेशेंट, ठीक है, जो पेशेंट है वो कोमा में है, द हाईएस्ट प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस इज. आपके पास एक पेशेंट है जो कि कोमा में है, तो आप हाईएस्ट प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस उस पेशेंट के लिए क्या बनाएंगे? अल्टर्ड सेंसोरियम. देखिए, कोमा में पेशेंट है मतलब सेंसोरियम जो है वो तो ऑलरेडी अल्टर्ड है, मींस पूरा गया है, ठीक है, कंप्लीटली कोमा में है. इन इफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी एंड अल्टर्ड न्यूट्रिशन. अगर आपको प्रायोरिटी से पूछा है, वो भी हाईएस्ट प्रायोरिटी से, सो आपका फर्स्ट आएगा इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, क्योंकि ब्रेन जो है वो डैमेज हुआ है, कोमा में पेशेंट है, ठीक है. तो रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो ब्रेन में प्रेजेंट होता है, इन मेडुला ऑब्लेंगेटा या फिर पॉन्स या फिर ब्रेन स्टेम का जो पार्ट है उसमें, ठीक है. तो रेस्पिरेटरी सेंटर इफेक्ट हो गया है, तो जो रेस्पिरेशन की नॉर्मल ब्रीदिंग एंड जो इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन है वो प्रॉपरली नहीं होगा. सो इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस विल बी द हाईएस्ट प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर द कोमाटोज पेशेंट. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पेशेंट विथ डीकॉर्टिकेट पोस्चरिंग, ठीक है, एक पोस्चर है डीकॉर्टिकेट का, द नर्स ऑब्जर्व. ऑप्शंस है फ्लेक्शन ऑफ एल्बो, एक्सटेंशन ऑफ नीज एंड प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट. एक पेशेंट है जो कि डीकॉर्टिकेट पोस्चरिंग में है, तो नर्स क्या ऑब्जर्व करेगी? फ्लेक्शन ऑफ एल्बो, एक्सटेंशन ऑफ नीज, प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ फीट. सेकेंड ऑप्शन, फ्लेक्शन ऑफ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज. ऑप्शन नंबर सी, एक्सटेंशन ऑफ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज. एंड ऑप्शन नंबर डी, एक्सटेंशन ऑफ एल्बोज एंड नीज एंड फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट. सी, इसके लिए ना आप ये पहले देख लीजिए, एक होती है डीकॉर्टिकेट पोजीशन रिजिडिटी और एक होती है डेसिब्रेट रिजिडिटी, ठीक है. डीकॉर्टिकेट पोजीशन में सारी चीजें यूजुअली आपको फ्लेक्शन मिलेगी और डेसिब्रेट में जो है वो सारी चीजें एक्सटेंशन मिलेगा, ठीक है. डीकॉर्टिकेट पोस्चरिंग कब होती है? जब इंजुरी होती है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, ठीक है. व्हेन इंजुरी टू सेरेब्रल कॉर्टेक्स. और डेसिब्रेट रिजिडिटी कब मिलती है? व्हेन इंजुरी टू ब्रेन स्टेम. ओके, डीकॉर्टिकेट पोजीशन में सारी चीजें फ्लेक्स दिखेगी, जैसे आप यहां देख रहे होंगे एल्बोस फ्लेक्स्ड है, ठीक है, फ्लेक्स्ड रिस्ट है, ठीक है, फ्लेक्स्ड हैंड्स है. ओके, प्लांटर जो है ये एरिया भी जो है फ्लेक्स्ड है, सिर्फ जो नीज का पार्ट है वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, ठीक है. और हमको क्या पूछा गया था? इन अ पेशेंट विद डीकॉर्टिकेट पोस्चरिंग, नर्स क्या ऑब्जर्व करेगी? अब डीकॉर्टिकेट मतलब क्या है? सारी चीजें फ्लेक्स रहेगी, ठीक है. तो फर्स्ट थिंग, एक्सटेंशन वाले ऑप्शंस तो वैसे ही गलत हो गए.
फ्लेक्शन ऑफ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज, द करेक्ट आंसर विल बी फ्लेक्शन ऑफ एल्बोज। अभी हमने देखा सिर्फ नीज का थोड़ा सा एक्सटेंशन दिखता है, एंड प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ फीट। सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इन डीकोटिकेट पोस्चरिंग द नर्स विल ऑब्जर्व फ्लेक्शन ऑफ एल्बोज, एक्सटेंशन ऑफ नीज एंड प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ फीट। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल सेंट्रल वीनस प्रेशर रीडिंग इज बिटवीन, वेरी इजी क्वेश्चन, सीवीपी नॉर्मल पूछा है, 0 to 5 cm ऑफ H2O, 5 to 10 cm ऑफ H2O, 10 to 15 cm ऑफ H2O, या फिर 15 to 20 cm ऑफ H2O। आपको रीडिंग जो है वो पूछी है H2O में, एक रीडिंग आती है mm ऑफ Hg में और एक रीडिंग आती है H2O में। mm ऑफ Hg की रीडिंग अगर आपको नॉर्मल पूछी तो आएगी 2 to 6, और अगर H2O में पूछी तो आती है 5 to 10 cm ऑफ H2O। सो हियर योर करेक्ट आंसर विल बी 5 to 10 cm ऑफ H2O इज द नॉर्मल सेंट्रल वीनस प्रेशर रीडिंग। ओके, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट विथ कंजेस्टिव कार्डियक फेलवर, ठीक है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलवर CHF का पेशेंट है जिसको हार्ट फेलवर हो चुका है, एक्सपीरियंसेस डिजनिया ड्यू टू कंजेस्टिव कार्डियक फेलवर, हार्ट फेल हुआ है तो उसको डिजनिया हो रहा है, ठीक है, ये किसके वजह से हो रहा है? एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूड इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस एंड एल्वियोलाई ऑफ लंग, क्वेश्चन में क्या पूछा है? हार्ट फेल हुआ है, उस हार्ट फेलवर की वजह से अब उसको डिजनिया हो रहा है, दैट इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। रीजन क्या है? हार्ट, हार्ट के वजह से लंग्स के ऊपर प्रॉब्लम आ रहा है, रेस्पिरेटरी फंक्शन जो है वो अल्टर्ड हो रहे हैं और डिजनिया हो रहा है, ठीक है। सो एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूड इन इंटरस्टिशियल स्पेस एंड एल्वियोलाई ऑफ लंग, लंग्स में एक्युमुलेशन हो गया फ्लूड का, उसके वजह से डिजनिया हो रहा है? नो। ब्रोंकियल सिक्रीशन और स्पाजम बढ़ गया? नो, अगेन इट इज अ लंग, इसके पीछे रीजन है, ठीक है। मेन इटियोलॉजी क्या हो रहा है? पल्मोनरी रीजन आ रहा है, रेस्पिरेटरी रीजन आ रहा है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, अगेन रीजन क्या हो रहा है? पल्मोनरी, ठीक है, मतलब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ही है जिसके वजह से उसको डिजनिया हो रहा है। जो लास्ट ऑप्शन है, दैट इज पल्मोनरी कंजेशन रिजल्टिंग फ्रॉम कार्डियोमेगाली, ठीक है। कार्डियोमेगाली मीन्स वॉट? एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, हार्ट का साइज बढ़ गया है, कार्डियोमेगाली हो चुका है, हार्ट में कंप्लीटली पूरी तरीके से पानी भर चुका है और हार्ट फेल हो गया, ठीक है। हार्ट फेल होने की वजह से, कार्डियोमेगाली की वजह से क्या होगा? पल्मोनरी कंजेशन। पल्मोनरी कंजेशन को ही हम कहते हैं पल्मोनरी एडिमा, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, पल्मोनरी एडिमा है तो डिजनिया होगा, ठीक है। डिजनिया क्यों हो रहा है? बिकॉज पल्मोनरी एडिमा होने के वजह से जो एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूड है वो लंग्स में हो जाएगा और पल्मोनरी एडिमा हो गया, जिसके कारण इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज होगा और हाइपोक्सेमिया होगा। इसीलिए अ पेशेंट विथ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, अगर डिजनिया के पीछे हार्ट रीजन है तो आपका आंसर होगा पल्मोनरी कंजेशन रिजल्टिंग फ्रॉम कार्डियोमेगाली। अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से पूछा जाता तो आपके तीनों ही ऑप्शन जो ए बी सी है वो करेक्ट होते, बट हियर क्वेश्चनर जो है उसने क्या पूछा है? कंजेस्टिव कार्डियक फेलवर की वजह से उस पेशेंट ने डिजनिया जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पल्मोनरी कंजेशन रिजल्टिंग फ्रॉम कार्डियोमेगाली। ओके, ठीक है। देन द लास्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट इज ऑन एंटी कोएगुलेंट थेरेपी इज स्पेसिफिकली मॉनिटर्ड फॉर, एक पेशेंट है जो कि एंटी कोएगुलेंट थेरेपी, एंटी कोएगुलेंट मतलब क्या? एक ऐसा मेडिसिन हम उसको दे रहे हैं जो कि क्लॉट्स नहीं करता, ब्लड को थिक नहीं कर रहा, कोएगुलेट नहीं कर रहा, तो उसको क्या होने के चांसेस है? ऑब्वियसली ब्लीडिंग, ठीक है। कैसी ब्लीडिंग? देखिए, नॉजिया? नहीं, नॉजिया कोई ब्लीडिंग का टाइप नहीं है। चेस्ट पेन? नो। इनसोम्निया? नो। यस, हीमेचूरिया, अगर ब्लीडिंग होगी तो यूरिन के थ्रू वो ब्लीडिंग हमको दिख सकती है, विच वी कॉल्ड एज हीमेचूरिया। तो अगर कोई पेशेंट एंटी कोएगुलेंट थेरेपी है, सो वी ऑलवेज वॉच फॉर द ब्लीडिंग, बिकॉज वहां पे कोएगुलेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा है, ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है, सो वी शुड लुक फॉर द ब्लीडिंग, एंड अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आवर करेक्ट आंसर विल बी हीमेचूरिया। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, आई होप दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू फॉर द अपकमिंग एग्जाम ऑफ NORCET 7। थैंक यू एवरीवन।